मैंने जो कुछ भी किया है उस हिसाब से तो मैं सिर्फ नफरत के लायक हूं, लेकिन आप सबसे माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना अब्बू, मुझे माफ कर देना। देखो अबरार, तुमने जो किया है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। कल वादा करो कि न सिर्फ तुम एक अच्छे इंसान बनोगे बल्कि जो लोग गुमराह हैं उन्हें भी सीधे रास्ते पर लेकर आओ। अब्बा जान, मैं आपसे वादा करता हूं, वैसे भी इन दंगों ने मुझसे बहुत कुछ छीन लिया। मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त और वो शख्स जो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज मानते थे, लाला जी, राजरानी चाची, मेरे चाचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। देख रहा है अपने मामू को, कितना बदल गया है। पर इसी की वजह से तुम्हारे नानू और नानी तुमसे मिल पाए। चलो चलो, शुक्रिया अदा करो इनका। अश्मा, चलो चलो, अब बहुत हो गया रोना दोनों। आज इसका जन्मदिन है, आज मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के बाद तुम तीनों को किसी की नजर ना लगे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। अपनी जिद में आकर मैंने उस घटिया इंसान फारूक के साथ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ दिया। मुझे माफ कर देना, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि इंसानियत से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता बेटा। कुछ नाम सोचा है आपने इसका? कुछ ऐसा कि ये सिर्फ अपने मजहब की वजह से पहचाना ना जाए बल्कि अपनी सोच की वजह से जाना जाए। कबीर, उदय, तुम लोगों के लिए यहां अभी भी थोड़ा सा खतरा है, इसलिए तुम्हें यहां से निकलने का सोचना चाहिए। लेकिन हम अमृत और रणधीर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कराची में ऊपर कुछ अफसरों से बात की है, उन्होंने वादा किया है कि वो वहां पर फौज भेजकर फारूक और उस जैसे लोगों को सही सबक सिखाएंगे। पता नहीं रणधीर और अमृत किस हालत में होंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।